तो आज का हमारा चैप्टर है वो फाइबर टू फैब्रिक है कि हम फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाते हैं। काफी हद तक इसमें जो टॉपिक है आगे वाले वो केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, जिसमें आपको केमिस्ट्री में सर बताएंगे कि फैब्रिक जो है कैसे फैब्रिक होते हैं, पॉलिएस्टर और वो सब बातें वो बताएंगे। मैं थोड़ा सा शुरुआत वाला थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा आपको, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि फाइबर्स जैसे दो प्रकार के होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। तो जो प्लांट फाइबर होते हैं और जो एनिमल फाइबर होते हैं, उन दोनों में फर्क होता है। प्लांट फाइबर जैसे जो हमको प्लांट से मिलते हैं और जो सेल्यूलोज के बने होते हैं, ये बात याद रखना, प्लांट फाइबर सेल्यूलोज के बने होते हैं, और जो मतलब जैसे ये एनिमल फाइबर है वो प्रोटीन वगैरह के बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एनिमल फाइबर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्लांट फाइबर आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। अच्छा, सेलुलोज जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, लिनन लिनन हो गया, ये सब प्लांट फाइबर है। उसके बाद प्रोटीन फाइबर जैसे वूल, और वूल में भी बहुत सारी चीज होती हैं, मतलब कई सारे अलग अलग एनिमल्स होते हैं जिनके हमको वूल मिलते हैं, तो वो ही हो गए, है ना। अच्छा, इसके बाद वूल के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया जा रहा है। वूल इज अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ सम एनिमल्स, जैसे उसमें बहुत सारे एनिमल आएंगे, कौन कौन से हैं, जैसे शीप है, हमें ये बहुत अच्छा इससे वूल मिलता है। डोमेस्टिकेशन यानी सेलेक्टिव ब्रीडिंग वगैरह करके हम इसमें अच्छे लंबे बाल वगैरह करने की कोशिश करते हैं। ये टुडे शीप आर कवर्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद इन्फ्लुएंस्ड ब्रीड ऑफ शीप प्राइज फॉर वूल, मतलब जैसे क्या होता है कि ज्यादा अच्छी वूल जो वो होगी वूल, यानी इसका मतलब है कि वो शीप की वैरायटी भी उतनी ही अच्छी होगी। तो इसमें ये शीप एक बहुत ज्यादा, इसमें डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, ये बस इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है। इसमें बायोलॉजिकल बहुत टर्म्स यूज नहीं होंगे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जैसे कोई ऐसे इसका चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल वैसा लगेगा आपको उसमें। इसके बाद एनिमल में ये नाम जरूर याद रखना, जैसे कैश्मीर गोट हो गया, ये काफी, ये गोट है, ये वूल नहीं है बेटा, मतलब ये शीप नहीं है, ये कैश्मीर गोट होती है ये। इस गोट से जो है हमें जो द आउटर कोट हेयर आर क्वाइट कोर्स, मतलब हार्ड होते हैं, एंड हाई क्वालिटी कैश्मीर इज ऑब्टेन फ्रॉम द डी हेयरिंग और कॉम्बिंग, मतलब उसको हमें ऐसे कॉम्बिंग करना होता है उसको, जैसे हम निकाल निकाल के। कैश्मीर गोट आर फाउंड ओनली इन माउंटेन रीजन ऑफ, तो इसके जो है बहुत अच्छे से कपड़े बनते हैं, वुलन वगैरह बनाए जाते हैं, वुलन कपड़े, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अंगोरा रैबिट बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी, इसकी जो जो फ्लीस होती है बाहर की, कोट जो बाहर का होता है वेरी सॉफ्ट, और बहुत सारे इससे जैसे आपने देखा होगा कि वो डेकोरेटिव या फैंसी ड्रेस वगैरह भी बनाई जाती हैं, जो गले में लोग ऐसे डाल के घूमते हैं वो भी है। साथ ही साथ इसको मतलब भरने का भी काम करते हैं, फिलिंग का भी काम करते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेड मतलब बहुत ही अच्छे कपड़ों के अंदर। तो सॉफ्ट वाइट फाइबर कॉल्ड अंगोरा वूल, और अंगोरा रैबिट होता है ये, याद रखना अंगोरा रैबिट। स्टिफ लॉन्ग गार्ड हेयर ग्रोइंग थ्रू द सॉफ्ट कोट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फर फ्रॉम दीज रैबिट इज कॉम्ब, कॉम्ब मतलब होता है निकाल लेना ऐसे से लंबे लंबे बाल करके। द सॉफ्ट व्हाइट फर ऑब्टेन इट इन स्पन, मतलब उसको बुना जाता है ऐसे धागे में, उसको ऐसे बुनाई जाती है, और मेक स्वेटर्स वगैरह इसके लिए किए जाते हैं। याक, याक के भी जो निकलते हैं, ये जो नीचे दिखाए जा रहे हैं आपको बाल, इनसे भी तिब्बत और लद्दाख के साइड में ये निकालते हैं, और इसमें जो है कोट वगैरह है कंसिस्ट और आउटर लॉन्ग कोर्स काफी हार्ड होता है, इनका जो बाल होते हैं काफी हार्ड होते हैं। अंडर कोट जो इसमें, दो कोट होते हैं याद रखना, इसमें आउटर कोट और अंडर कोट, अंडर कोट सॉफ्ट और सिल्की होती है इनकी, आउटर कोट बाकी हार्ड होती है इनकी। अच्छा, तो ये बात पता चल गई आपको। इसके बाद कैमल, कैमल से भी फ्लीस वगैरह निकलता है, पर लेकिन अंडर कोट ही यूज होता है ज्यादातर इसमें, आउटर कोट यूज नहीं होता है। अच्छा, इसमें काफी लंबे बाल होते हैं, मतलब 15 इंच लॉन्ग होते हैं। कैमल वूल इज कंसिडर्ड द हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट। शीप फार्मिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसमें एग्जाम में भी आता है इसके अंदर, कि जो शीप को रखना, उन्हें पालना, उनसे ऊल वूल निकाल के उनको अच्छे तरीके से मार्केट में पहुंचाना, और उसको पूरा हम शीप फार्मिंग कहते हैं।
शीप फार्मिंग मीन द रियरिंग ब्रीडिंग शीप। शीप आपने कभी कभी देखा भी होगा कि ये शहरों में, जैसे इधर भी अपने यहाँ पे भी वडोदरा में, बहुत सारी भेड़ एक साथ लेकर आ जाते हैं वो नीचे, और एक्चुअल में वो पहाड़ों से लेकर नीचे आते हैं। तो उनका वो सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, उसके आधार पे वो नीचे आते हैं। यानी देखो, उनको कश्मीर से यहाँ तक आने में कम से कम महीने लगेंगे, और वो घूमते 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 आएंगे, पूरा कश्मीर से लेके यहाँ तक पहुंचेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, जब यहाँ से वो वापस जाएंगे ऊपर, यानी ऊपर जब वहाँ कश्मीर में, वहां पर जब मतलब गर्मियों, ठंड का सीजन चालू होगा, तो वो वहां से चल देते हैं, निकल जाएंगे वहां से, और फिर यहाँ पर पूरा घूमेंगे घूमेंगे जब यहाँ गर्मी रहेगी, और फिर यहाँ से वापस जब तक जाएंगे कश्मीर, वापस वहां पे गर्मी चालू हो जाएगी। और वहां पर मतलब इतनी भी गर्मी नहीं होती, लेकिन हाँ वो सहन कर लेगी। इतनी गर्मी होती है कि अगर उसके बाल काट दिए जाएं तो वो उस ठंड को बर्दाश्त, अगर हमने मान लो वहीं पर रखा भेड़ को, सर्दियों में भी वहीं रखा और उसके हमने बाल काट लिए, तब तो मर जाएगी। इसलिए हम उसको मैदानी क्षेत्रों में, यानी टेरेस्ट्रियल प्लेन्स पे लेके आते हैं, जहां गर्मी पड़ती है, पहाड़ों से काफी गर्मी यहाँ पर पड़ती है। तो यहाँ पर लाने से क्या होगा कि उसके अंदर जो मतलब बाल हैं वो वापस जाएंगे, तो वापस वहाँ वापस गर्मी होने लगेगी पहाड़ों में, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहां साइड में। तो वो उस तरीके से है। शीप फार्मिंग कई जगह पर की जाती है, जैसे यहाँ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो कई चीजें होती हैं वहाँ पर। जैसे राजस्थान में तो गर्मी पड़ती है, लेकिन वहां पर भेड़ क्यों लाते हैं, पहाड़ों से भेड़ वहां तक लेके जाते हैं, ताकि उसको वो बाल कटिंग, वो उसको घुमा सके, घूमे वहां पर, टहले वहां, ताकि गर्मी उनको मिले, ताकि गर्मी रहेगी तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी बालों की, और फिर जब वापस जाएंगे वहां पर लौट के, तब वहां सर्दी खत्म हो जाएगी पहाड़ों में, और वहां बाल काट लिए जाएंगे। अच्छा, तो ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ब्रीड, सम कॉमन ब्रीड्स याद रखना, सम कॉमन ब्रीड्स इंडियन शीप आर लोही, रामपुर बुशीर, नील, बकरवाल, और ये सब नाम याद रखना, ये नाम आ सकते हैं। अब देखो, इस डायग्राम में इतना बढ़िया डायग्राम बनाया गया है ये, कि पूरी पूरी प्रोसेस एक साथ समझा दी गई है आपको, पूरी की पूरी प्रोसेस एक साथ समझा दी गई है। जैसे सबसे पहली हेडिंग क्या यहाँ पर बोलती है, शेयरिंग। शेयरिंग मतलब उसको काटना, निकालना। देखो यहाँ शेयरिंग चल रही है, ये उसको रिमूवल ऑफ द फ्लीस फ्रॉम द बॉडी, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग, है ना। तो हमने ये कर लिया, कटिंग करते हैं, बहुत एक कटर होता है, मशीन होता है, जिसे हम लोग ट्रिमर बोलते हैं, जैसे आजकल इंसान भी यूज कर रहे हैं उसी तरीके से। उसके बाद हो रहा है स्काउरिंग, वूल टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द शीप कॉल्ड रॉ, मतलब एक अभी जैसे ग्रीस वूल है, उसमें भी कुछ मतलब अभी बहुत सारी चीजें उसमें होंगी। इट कंटेन लैलोलिन, सैंड, डर्ट, ग्रीस, बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब जो वहां जहां वो बकरी भेड़ घूम रही है सब अपनी बॉडी में कलेक्ट कर लेती है वहां पे। अच्छा, वो सबको हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट तो मतलब हटाना है, साफ करना है उसको। अच्छा, जिससे क्या होगा, सुटेबल हो पाएगी फैब्रिक बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ लास्ट लाइन पढ़िए, स्काउरिंग इन्वॉल्व वॉशिंग द शॉर्न वूल इन द हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट एंड देन ड्राइंग। यानी ये जो सेकेंड स्टेप चल रही है यहाँ पे आपको दिख रही है, जो सेकेंड स्टेप जिसमें डर्ट वगैरह निकाला जा रहा है, ये सेकेंड स्टेप। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया डायग्राम बना हुआ है, बहुत बढ़िया से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये आपको ये यहाँ पे पता चल गया, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं थर्ड पैराग्राफ में, स्कोरिंग के बाद हो रहा है शॉर्टिंग एंड ग्राइंडिंग। ग्रेड ग्राइंडिंग मतलब हम ये करेंगे कि जो उसमें जो मतलब उसको हम अलग अलग करेंगे, अच्छे से हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, लंबे धागे अलग करेंगे, पत्ते अलग करेंगे, है ना। तो वो उस तरीके से यहाँ पर जो है शॉर्टिंग चलेगी। शॉर्टिंग मतलब हमको उसको शॉर्ट करना होगा। आफ्टर स्कॉटिंग डैमेज्ड एंड इन्फीरियर वूल, यानी छोटे, इन्फीरियर मतलब छोटे होते हैं, अंदर के बाल रिमूव कर दिए जाएंगे स्कॉटिंग। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ स्कॉटिंग ऑफ वूल अकॉर्डिंग टू द लेंथ, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड ग्रेडिंग। यानी अब हमने उसको ग्रेड दिया, छोटे, बड़े, सॉफ्ट, कलर जिसमें है उसके, उस आधार पे हमने उसको अलग अलग किया। अब होगा कार्डिंग। कार्डिंग करने का मतलब वही है जो ऊपर दिखाया जा रहा है वहां पे, कि बिफोर वूल कैन बी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, इट इज डिसटेंगल्ड एंड क्लीन, द इनर मिक्स्ड फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस फाइबर, द प्रोसेस कॉल्ड कार्डिंग। इन कार्डिंग द वूल फाइबर आर पास थ्रू द सीरीज ऑफ मेटल टीथ
एक तरीके से मान लीजिए कि वो ये स्कॉटिंग एंड ग्राइंडिंग का जो ये ग्राइंडिंग का जो ये प्रोसेस है, ये कार्डिंग के बिना अधूरा है। अगर कार्डिंग नहीं करेंगे तो हमने ये तो पता लगा लिया है कि यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, शॉर्टिंग में क्या किया है, द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग, मैं वापस पढ़ रहा हूँ, द वूल अकॉर्डिंग टू द लेंथ कलर एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड ग्रेडिंग। हमने ग्रेड तो दे दिया लेकिन हमने अलग कहाँ किया अभी उनको, अभी करना है हमको अलग, है ना। अच्छा, इसमें अलग कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास एक कॉम्ब होते हैं, कॉम्ब लंबे लंबे से ऐसे मेटल के टीथ टाइप के होते हैं, उसमें हम उसको कार्डिंग कहते हैं कि दिस पर्पस इज कॉल्ड कार्डिंग। द कार्डिंग इन द वूल फाइबर इज पास थ्रू द सीरीज ऑफ मेटल टीथ टू स्ट्रेंथिंग द फाइबर्स। स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेटनिंग मतलब उनको हम सीधा करते हैं, जो ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं फाइबर, जो टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं उन्हें हम क्या करते हैं, सीधा कर देते हैं। दिख रहा है आपको ये बात। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, मेकिंग यार्न। यार्न क्या होता है, तो अब यहाँ पर यार्न बनाया जा रहा है, ये आपको दिख रहा है। कार्डिंग, कार्डिंग यहाँ पे हो रही है, देखो बेटा ये कार्डिंग हो रही है, वाली मशीन में कार्डिंग हो रही है। द शीट इज ट्विस्टेड इन टू द रोप कॉल्ड सिल्वर। अच्छा, ये इसके अंदर से निकालते हैं और ये ऐसा कर देते हैं, उसके बाद ये इसके ऊपर आ गया, द सिल्वर इज स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इन टू अ थिन यार्न, यहाँ पे आ गया। अब लास्ट प्रोसेस होगी, ये यार्निंग हो गई, यहाँ पे ये यार्न बन गया है। अब वॉर्न बूल बन बॉल बनेगा, लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लास्ट में, मेकिंग यार्न कार्डेड वूल इज ट्विस्टेड इन टू अ रोप कॉल्ड सिल्वर, यहाँ पे हो रहा है, देखो ये डायग्राम में यहाँ पे हो रहा है, ट्विस्टेड इन टू सिल्वर, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये सिल्वर का डायग्राम यहाँ पे मैंने दिखाया। और बहुत आसान है ये, बहुत ज्यादा आसान है, बस आप इसको एक बार लिख लीजिएगा, ये आप कभी भूलेंगे नहीं बचपन में, अगर आप एक बार याद कर लेंगे कभी भी। सिल्वर से पास करा दिया स्पिनिंग मशीन के द्वारा, यानी कार्डेड वूल इज ट्विस्टेड इन टू अ रोप, मतलब ट्विस्ट मतलब देखो मेरी बात समझो, दो धागे लो अपने हाथ में ऐसे पकड़ो और दोनों को आपस में ट्विस्ट करा दो, तो उस तब जाके यार्न बनेगा। अरे जैसे सूत काटने की मशीन होती है जिसमें ऐसे धागे को ऐसे आपस में लपेटते रहेंगे, तो एक दो ऐसे फाइबर, चार पांच फाइबर को मिलाकर ऐसे कंबाइंड कर देंगे और एक उसको ऐंठ देंगे, ऐसे ऐंठ देंगे, घुमा देंगे। जैसे आपने कभी दीपावली में रुई ले लो, ऐसे सादा रुई ले लो, उससे आप बत्ती बना के दिखाओ ऐसे, तो उसको बत्ती बनाने के क्या करते हो, उसको ऐसे ऐसे आगे आगे घुमा पुश करते हो, तो वही हो गया सिस्टम। इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, वियरिंग एंड फिनिशिंग, वीविंग एंड फिनिशिंग, वूल यार्न इज इन वोवन टू निटेड इन फाइबर, लास्ट प्रोसेस है यहाँ पे। तो ये तो पता चल गया आपको कि वो बाहर भेज दिया जाता है बनाने के लिए, मतलब मेकिंग यार्न, यार्न यहाँ पे लास्ट स्टेप है, ये यार्न, ये जो लास्ट में दिखाया जा रहा है ये वाला यार्न, बहुत ही आसान है ये वाला यार्न है आपके लिए। और सिल्वर वेवर ये सब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो रफ रफ वूल है, यानी यहाँ पर वूल है ही नहीं, ये तो वूल है ही नहीं, ये तो अलग अलग बहुत सारे ऐसे फाइबर हैं, इनको एक साथ कंबाइंड करके सिल्वर से हम पास कराते हैं ट्विस्ट करा के, तब हमको मिलता है यहाँ पे यार्न, और यार्न को हम इसके ऊपर रोप इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, और इसके बाद फाइनल स्टेप जो है वो यार्न, ये हमको वूल का एक बंडल बना देना होता है जो मार्केट में जाके बेचा जाएगा। क्यों यूज करते हैं वूल को ये भी पता चल जाएगा आपको, जैसे ड्यूरेबल होता है, मतलब बहुत दिनों तक रख सकते हैं, मतलब आपको पता नहीं है, कम से कम 200-300 साल तक भी रखा जा सकता है या उससे भी ज्यादा, डिकम्पोज नहीं होता ये, जल्दी जल्दी डिकम्पोज नहीं होता ये, अगर ये उसके कॉन्टेक्ट में ना आए, मतलब नीचे सॉइल के कॉन्टेक्ट में ना आए, तो ये बहुत सालों तक रखा जा सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, मतलब एज अ फैब्रिक वूल ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट इनसाइड द फाइबर, यानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को। रेजिस्टेंट टू डर्ट, पता ही होगा आपको ये, डर्ट अंदर नहीं आने देगा अगर आप ऐसा करेंगे। रेजिस्टेंट टू फायर, यस रेजिस्टेंट टू फायर, इसके लिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप एक आपको अगर चेक करना है कि सच में ये जो वूलन प्रोडक्ट आपको, मतलब ऐसा पुराने लोग करते थे टेस्ट करने के लिए कि सच में ये वूलन है कि नहीं है, तो पता है क्या करते थे, एक धागा निकालते थे उससे स्वेटर से और उसमें आग लगा देते थे, और अगर उस धागे में, देखना मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, मैं अगर यहाँ पे देखो ये अगर एक ये एक फाइबर है ऐसे, ये फाइबर है, इसमें अगर मैंने यहाँ पे आग लगाई साइड में, यहाँ पे हमने आग लगाई, तो ये क्या होता है, ये ऐसे जलते जलते ही जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे जलते हुए जाएगा और जलेगा, और थोड़ी देर बाद यहाँ से कहीं से बंद हो जाएगा जलना, वो
या आप अपने सर के बाल अगर कहीं नीचे पड़े हुए दिख जाए आपको, तो एक बाल उठा के उसमें आग लगा देना और फिर देखना क्या होगा। उसमें क्या होगा, आग थोड़ी दूर तक जाएगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये जो पॉलिएस्टर होता है, मैं पॉलिएस्टर के लिए दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे इसके बगल में बनाऊंगा, ये पॉलिएस्टर है मान लो, जो हम लोग आजकल जो डी मार्ट से या जो मॉल से जो स्वेटर खरीद के लाते हैं ना, उसमें 90 से 80% पॉलिएस्टर होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आप आग लगाओगे यहाँ पे, उसमें आग लगाओगे ना, तो पता है क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा तुरंत का तुरंत ऐसे होने लगेगा, ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे रोल हो जाएगा वो पूरा, और चिपक जाएगा। और रोल के साथ साथ एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, रोल तो होगा ही होगा वो, एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा वहां पे, बहुत ही डेंजरस होगा वो, अच्छा नहीं है। जैसे वो लंबा सा ये है, तो अगर उसमें आग लगा दिया ना, तो वो कैसे होगा, वो एक ऐसा बॉल जैसा बन जाएगा, यहाँ पे जल के ऐसे बॉल जैसा बन जाएगा, यानी ये हिस्सा श्रिंक होके इतना छोटा यहाँ तक पहुंच जाएगा। जैसे प्लास्टिक में आग लगाते हो तो वो श्रिंक होता है, ऐसे पीछे की तरफ को खींचता है, तो वो चीज बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए कभी भी नेचुरल चीजें ही पहननी चाहिए। पहले के लोग सिर्फ कॉटन और नेचुरल चीजें ही पहनते थे। तो ये तो था आपका, है ना। इसके बाद वाटर रिपेलेंट नेचर, अगर ऊपर से पानी डाला जाए तो वो वाटर को क्या करता है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, रिपेलेंट मतलब बाहर फेंक देना। इंसुलेटिंग ये तो है ही है, इसके लिए तो उसको पहना ही जा रहा है कि जितना अच्छा। आप कभी पहाड़ों में जाइए, कश्मीर जाइए, वहां देखना, कभी भी रेडीमेड स्वेटर नहीं पहनते हैं, वो हैंडमेड वोवेन यानी बिना हुआ स्वेटर ही पहनते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा गर्म करता है। तो बस ये है कि जो मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप वैसे बबल फॉर्म करते हैं, जैसे फील्ड एयर बबल होती, जैसे ये मैंने एक नेट बनाया, जैसे ये वुलन नेट है। अब ये वुलन जो धागा जो स्वेटर सिला जाता है, ये स्वेटर मान लो ऐसे सिला गया, अब इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पर एयर बबल बनेगी, जो एयर को ये होल्ड करके रखेगा अपने पास में, एयर बबल जो लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दूसरी और हेयर एयर जो है अंदर नहीं जाएगी, यहाँ लिखा हुआ है, These are filled with the bubble of air, which heat up as the moisture in the center of the fiber heat up, making the wool to perfect insulator. मतलब जो moisture हमारे body के अंदर की और जो इसके बीच की है, वो उसको एक तरीके से heat up करेगा और उसी से वो उसको insulation provide करेगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग। The quality of wool is judged by the wool length, diameter, elastic strength and durability. ये सब तो आपको पता ही है। तो जनरली ये जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया, ये था पूरा का पूरा वूल से लेके वूल को पालना। अब मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ाने के बाद अब मैं आगे बढ़ूंगा सिल्क के लिए। सिल्क से अपना टॉपिक आगे बढ़ता है। सिल्क क्या है आप जानते हैं, बहुत पुराना इसकी कहानी है, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कि कुछ इसमें मैंने भी कहीं सुना हुआ है इसके अंदर की, शायद चाइना में कोई क्वीन थी, और वो मतलब ये हो सकता है कि गलत कहानियों पर, लेकिन हाँ मैंने सही सुनी है कि वो एक बार चाय या कुछ पी रही थी, ड्रिंक कोई कॉफी ऐसा कुछ चाय वाय था उनके कप में, एक ऊपर से एक कुकून गिरा के नीचे उनके कप में, और जब उन्होंने उसको उठाया तो वो धागे जैसा थ्रेड जैसा लंबा लंबा सा निकल रहा था उसमें से। तो उनको लगा कि ये क्या है, और इसके बारे में उन्होंने ढूंढने के लिए कहा सबसे कि इसको ढूंढो ये क्या होता है। तो ये जाके बहुत मतलब इंटरेस्टिंग आगे चल के डिस्कवरी हो गई ये वाली। तो चाइना में इसी वजह से इसका काफी ज्यादा इसको क्रेडिट दिया जाता है, और फिर सिल्क रूट बना हमारे लिए कि इंडिया से लेके रोमन वगैरह यहाँ पर रोमल सिल्क। मुझे देखो इतना तो नहीं पता, शायद आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता हो इसके बारे में, कहीं कहीं आपने SS वगैरह में पढ़ा होगा इसके लिए, SS में काफी कुछ इसके बारे में बताया गया है। खैर मैं इस बारे में डिटेल नहीं जाऊंगा, डिस्कस नहीं करूंगा, आप जो है इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा SS वगैरह में। सिल्क इज अ वैल्यूएबल फैब्रिक दैट सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। यस, इन अर्लियर टाइम यूज ऑफ सिल्क वॉज रिजर्व ओनली फॉर किंग्स एंड मोनार्क। द रोमन सोल्ड सिल्क फॉर इट्स वेट इन गोल्ड। अरे बापरे, मतलब रोमन सिल्क इतना ज्यादा महंगा बिकता था कि गोल्ड के दाम पे। द चाइनीज हैव बीन यूजिंग सिल्क Since 27th century, RBCE, पता नहीं। China is created with the first production of silk around 300 BCE. अच्छा,
सिल्क इज एन एनिमल फाइबर, यानी ये बात याद रखिएगा, प्रोटीन फाइबर होना चाहिए ये मेरे हिसाब से। लार्ज नंबर ऑफ दीज कोकून्स आर अनवुंड केयरफुली टू मेक लॉन्ग थ्रेड, याद रखिए अनवुंड मतलब उनको खोल दिया जाता है। मैं जनरल यहीं पे आपको बता देता हूँ कि उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, कोकून को पानी में बॉइल करते हैं और जब वो बॉइल हो जाते हैं तो उनके ऊपर का थ्रेड लूज हो जाता है और वो उसको निकाल लिया जाता है। सिंपल तरीका यही है और होता आ रहा है यही वाला तरीका, मतलब नॉर्मल मेथड। बट अब क्या हो गया है कि कई हद तक सिंथेटिक सिल्क ने ओरिजिनल सिल्क की जगह ले ली है। सिल्क के लिए पहले ऐसे कहा जाता था, मैंने भी सुना हुआ है कि बचपन में, कि सिल्क वो चीज है जिस एक धागे से, मतलब इतना मजबूत होता है सिल्क का जो धागा है, और ये तो धागे की प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, उसके कपड़े को आप एक रिंग के अंदर से पास करा सकते हैं, बड़ी सी चादर, सिल्क की बड़ी सी चादर, उसको आप एक रिंग के अंदर से पास करा सकते हैं पूरी की पूरी। वो इतनी मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी उसमें होती है और वो मजबूत भी होता है, दोनों होते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर जो आपको ये जनरल बात पता चली, थ्रेड्स आर स्पन टुगेदर टू मेक देम थिकर एंड वोवन टू मेक सिल्क। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाय रेजिंग सिल्क वॉर्म, रेजिंग सिल्क वॉर्म, और वो कैसे एग्रीकल्चर कहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है सेरिकल्चर, पूछा जाएगा 1 मार्क में व्हाट इज सेरिकल्चर। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ये बायोलॉजी का टॉपिक है इसलिए मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। ये लाइफ साइकिल इज अ बायोलॉजिकल टॉपिक, प्योर बायोलॉजिकल टॉपिक ये है, इसके पहले वाला बायोलॉजी नहीं है। वो जो मैंने आपको शीप वगैरह के बारे में पढ़ाया वो उतनी बायोलॉजी नहीं है, पर ये है बायोलॉजी यहाँ पे। दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, याद रखना ये आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको मिलेगा। एक ऑर्गेनिज्म अपने जीवन काल में दो स्टेजेस से होकर गुजरता है, याद रखिएगा इस बात को, दो स्टेजेस से वो पास होता है। वो पहली स्टेज है उसकी अडल्ट मौत की और दूसरी स्टेज है उसकी लार्वा की स्टेज है। आप लार्वा को देख के आप बोलेंगे कि ये भी एक इंसेक्ट है, याद रखिएगा इस बात को। इंडिविजुअल सेपरेट आइडेंटिटी उसकी देखने को मिलती है, उसको कैटरपिलर आप बुलाते हैं, याद रखिएगा। और ये दो आइडेंटिटीज हैं, दो लाइफ मतलब एक जीवन काल में वो दो बार अपनी आइडेंटिटीज चेंज करता है। एक बार तो वो मौत, एडल्ट मौत में दिखाई देता है आपको, यानी एक विंग्ड, एक ऐसा इंसेक्ट दिखेगा जिसका के पास वे है वो उड़ सकता है, और दूसरा कंडीशन आपको ऐसी दिखेगी जिसमें वो रेंग कर क्रॉलिंग के चलता है लीव्स के ऊपर सारे प्लांट्स की, मोस्ट ऑफ देम वो मलबरी के ऊपर पाया जाता है और वो अपनी लाइफ साइकिल वहां पर कंप्लीट करता है। चलिए इसके बारे में समझा जाए। अडल्ट मॉथ रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर फीमेल अडल्ट मॉथ जो है एग देती है, टाइनी एग्स देती है मालबेरी लीव्स के ऊपर, ठीक है। मालबेरी लीव्स के ऊपर जब वो लीव देती है